दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हार्मफुल ऐप क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप से हमें प्रॉब्लम हो सकती है अपने मोबाइल में, तो इस वीडियो को देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भोजराम वर्मा और आप देख रहे हैं ऑफिकल वर्मा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, हार्मफुल ऐप्स वो है जो हमारे मोबाइल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आपका मोबाइल कम MB का है और जो ऐप्स आपके मोबाइल में नहीं चलता, वो ऐप्स अगर आपके मोबाइल में है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हैंग मारना या फिर डेटा खींचना, डेटा जल्दी ख़त्म होना, ये सब दिक्कतें आ सकती है दोस्तों। और आपका मोबाइल चलाना, जैसे कि और आपके मोबाइल में किसी ने कॉल किया तो उससे भी हमें बात करने में प्रॉब्लम होती है, आवाज़ नहीं जाती है कभी कभी, तो ये सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों हार्मफुल ऐप्स की वजह से। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे और डिलीट कैसे करेंगे, चलिए मैं वो बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा। तो चलिए मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा प्ले स्टोर ओपन हो गया है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पे अपने जीमेल आईडी के लोगो पर क्लिक करना है। देखिए सिंपल इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको प्ले प्रोटेक्ट दिख जाएगा, सिंपल इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे इसमें लिख गया है नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड। मतलब कि दोस्तों मेरे मोबाइल में ऐसा कोई ऐप नहीं है जिससे मेरा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आए। अगर आपके इसमें रहेगा तो दोस्तों यहाँ पे स्कैन पर क्लिक कर लेना है आपको एक बार, और स्कैनिंग होके बता देगा आपके मोबाइल में कौन सा ऐप हार्मफुल है और उसे आपको डिलीट करना ही होगा। तो ये थोड़ा सा लोड लेता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं नो हार्मफुल ऐप्स फाउंड बता रहा है। और अगर आपके इसमें रहेगा कोई हार्मफुल ऐप तो आपको उसके साइड में या फिर उस पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा, आपको अनइंस्टॉल करने का या फिर डिलीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहीं से उसको डिलीट या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हार्मफुल ऐप्स क्या है और इसे डिलीट कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।